आज हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्स ऑफ प्योर आर एल एंड सी टू ए सी सप्लाई इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क में जो फर्स्ट यूनिट में ये चैप्टर है यदि हम प्योर रेजिस्टेंस या प्योर इंडक्टेंस या प्योर कैपेसिटर को ए सी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो वोल्टेज और करेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है और उसका एवरेज वैल्यू क्या आता है तो हम सबसे पहले देखते हैं यदि हम प्योर रेजिस्टेंस को एक एसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे भी मान लिए और यहाँ पे करंट ये मेरा प्योर रेजिस्टेंस है लिख सकते हैं भी स्क्वल टू भी एम साइन ओमेगा टी क्योंकि साइनस टोटल वेब फॉर्म यहाँ पर यूज़ किए हैं ए सी सप्लाई प्रोवाइड किए हैं यहाँ पर ए सी और भी इस्क्ल टू भी एम साइन ओमेगा टी तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओम स्लॉ के थ्रू आई इक्वल टू वी बाई आर वी बाई आर आई इक्वल टू वी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन वन जो है इसे हम भी के जगह पुट कर सकते हैं लिखेंगे यहाँ पे भी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड आर यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई एम स्क्वल टू वी एम बाई आर इस वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे i इसकल टू आई एम साइन ओमेगा टी इक्वेशन मेरा सेकेंड यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका जो एंगल है वही एंगल यहाँ भी है साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी दोनों की वैल्यू सेम आई की तो हम बोल सकते हैं वोल्टेज और करंट जो होता है दोनों फेज में होता है जीरो डिग्री फेज डिफरेंट होता है वोल्टेज और करंट के बीच के तो हम यहाँ पर वो बता सकते हैं भी इसकल टू आई दोनों जो होता है ओमेगा टी या एंगल दोनों फेज में होते हैं इन दोनों के बीच में जीरो डिग्री का एंगल होता है दोनों एक ही साथ अप्लाई होते हैं दोनों एक ही साथ ही निकलेंगे और इंड भी होंगे पॉजिटिव में दोनों एक ही साथ रहेंगे और जीरो पे भी एक ही साथ जाएंगे तो वे फॉर्म के थ्रू हम समझते हैं ये मेरा वोल्टेज का वेब फॉर्म है लिख सकते हैं भी एम साइन ओमेगा टी जैसे मेरा वोल्टेज निकला यहाँ से जीरो डिग्री से वैसे ही मेरा करंट भी निकलेगा लेकिन दोनों की वैल्यू अलग है सिर्फ एंगल सेम है दोनों के एंगल जो है वो जीरो डिग्री है, दोनों फेज में हैं जैसे ये पीक पे जाएगा वैसे मेरा वोल्टेज भी पीक पे रहेगा दोनों एक साथ ही अप्लाई होंगे वेब फॉर्म में ये मेरा ओमेगा टी है और ये एंगल ओमेगा टी या एंगल हम इसे ले सकते हैं और इसे भी या करेंट हम ले सकते हैं यदि इंटरटेनियस पावर की बात करें इंसटेन टेनियस पावर की तो हमें पावर का फॉर्मूला पता है पी इक्वल टू वी आई और हमें वोल्टेज करंट भी पता है वोल्टेज क्या है भी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो भी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी मिलेगा और इसे हम सॉल्व करें तो भी एम आई एम वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू होती है वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं पी स्क् टू भी एम आई एम बाई टू माइनस एम आई एम कॉस टू ओमेगा टी बाई टू या भी एम बाई रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू माइनस भी एम बाई रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू यहाँ इसे भी एम बाई रूट टू के फॉर्म में लिख सकते हैं इंटू आई एम बाई रूट टू क्योंकि रूट टू रूट टू जो मल्टीप्लाई होता है वो टू के फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पे कॉस टू ओमेगा टी हमको पता है वी एम बाई रूट टू जो होता है ये आर वैल्यू है वोल्टेज की और आई आई एम बाई रूट टू जो है वो आर वैल्यू ऑफ करेंट तो हम लिख सकते हैं भी आर एम एस इंटू आई आर एम एस माइनस भी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस टू ओमेगा टी अब हम बात कर रहे हैं यहीं पे एवरेज वैल्यू की एवरेज वैल्यू में जो है बीएम एम आर एम एस आई एम आर टू ओमेगा टी ये मेरा जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वेब फॉर्म भी ले रहे हैं निगेटिव वेब फॉर्म भी ले रहे हैं एवरेज वैल्यू सबको पता है कैसे निकाला जाता है यदि हम लोगों के पास दो रुपया है और किसी और के पास माइनस टू रुपया है तो इसका एवरेज वैल्यू जो होगा वो जीरो आएगा वैसे ही हम लोगों के पास दो वेब फॉर्म है एक पॉजिटिव है सेम और निगेटिव है जिसका पिक वैल्यू दस यहाँ पर माइनस दस तो इसका एवरेज वैल्यू जीरो आएगा तो हम इस फॉर्म को हम जीरो लिख सकते हैं पी स्क्ल टू वी आर एम एस इन टू आई आर एम एस इस माइनस जीरो तो हम यहाँ पे पी स्क्वल टू क्या लिख सकते हैं वी आई ये जो है मेरा आर एम एस वैल्यू है पावर सॉरी पावर की एवरेज वैल्यू है एवरेज एवरेज पावर ये मेरा एवरेज पावर है जिसे हम वाट से डिनोट करते हैं ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्योर इंडक्टेंस एसी सप्लाई में प्रोवाइड करेंगे तो वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन आता है थैंक यू